देश भर में आम चुनावों की धूम मची हुई है और हर दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद संभल में एक गांव ऐसा भी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराए गए कार्यों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर पोस्टर लगा दिए हैं कि यह गांव चौकीदारों का है और यहाँ चोरों का प्रवेश वर्जित है। जो हिंदू मुस्लिम वोट मांग रहे हैं उसे वोट नहीं देना है, हमें विकास पे देना है, जो हमें काम करे किसान के हित में कार्य करे उसे वोट देना है। वीर सिंह किस गांव में रहते हैं? इसी गांव में। जो आपने अपने गांव में बोर्ड लगाया है, हाँ जी, यहाँ चोरों का आना मना है, ये चौकीदारों का गांव है, हाँ, तो ये क्या है मामला पूरा? ये पहले से गांव बीजेपी का रहा है और बीजेपी का चौकीदार से मतलब है मोदी से, और अन्य पार्टियां चोर हैं, चोर का अर्थ लगा रखा है अन्य पार्टियों से, इस वजह से अन्य पार्टी यहाँ आती नहीं है। अब बोलते अन्य पार्टी के लोग यहाँ वोट मांगने आए? आए। क्या कहा आपने उनसे? हमने कहा हम बीजेपी के लोग हैं, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। फिर उनका उनका क्या कहना? कुछ ही अपने अपने कह के चले गए। ये बनिया खेड़ा ब्लॉक का एक गांव है राम रायपुर गमटिया, वहां पर ग्रामीणों ने एक फ्लेक्सी लगाई जिस पर लिखा है ये चौकीदारों का गांव है, चोरों का आना बार जीत है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये एक ही गांव में नहीं लगी है, मेरी चंदौसी विधानसभा में बहुत जगह लगी हुई है कि चोरों का आना वर्जित है और पूरा गाँव जो है चौकीदार है। चौकीदार का मतलब है एक सजग रहना, चौकीदार का मतलब है उनके अंदर इस तरीके की भावना आ जाना कि हमारे गांव पे जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देकर उनको अपनी तरफ आकर्षित ना करें, वो अपने अनुशासन के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं। और आज जो मोदी जी के लिए इतना अपशब्द बोलते हैं कि चौकीदार चोर है कि यह है, आज पूरा हिंदुस्तान उन्होंने चौकन्ना कर दिया और उसी चौकन्ने के कारण आज हमारी सरकार जो है वो बन रही है, बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। प्रत्येक ग्रामवासी के अंदर ये भावना हो गई है कि मुझे अपने गांव की पूर्ण रूप से चौकीदारी करनी है जिससे कोई भी गलत कदम इधर हमारे गांव में ना आ जाए, उसका कोई प्रभाव ना पड़े।